इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। तो दिल्ली एनसीआर से बड़ी खबर, एक बार फिर से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। गुरुग्राम में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और लगातार भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो हरियाणा के कई इलाकों में सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और अब इस वक्त की जब ये खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। तो दिल्ली और हरियाणा के दिल्ली के आसपास लगते इलाकों में भूकंप के तेज झटके, आज सुबह भी हरियाणा के कई इलाकों में भूकंप आया और अब भी दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। तो बड़ी खबर भूकंप से जुड़ी आपको बता रहे हैं, दिल्ली और दिल्ली के आसपास लगते इलाकों में, जिसमें हम गुरुग्राम और हरियाणा के कई इलाकों की, कई जिलों की बात करते हैं, तो भूकंप के झटके महसूस किए गए। इससे पहले सुबह भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। तो दिल्ली एनसीआर से जुड़ी बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। राजधानी दिल्ली में, दिल्ली के आसपास लगते इलाकों में, हरियाणा के गुरुग्राम में और गुरुग्राम के अलावा भी हरियाणा के कई इलाकों में, कई क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो अभी भूकंप के झटके महसूस किए गए, इससे पहले सुबह भी भूकंप आया और अब बड़ी खबर ये कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, दिल्ली एनसीआर में हरियाणा, जिसमें हरियाणा के कई आसपास लगते जो इलाके हैं, गुरुग्राम क्या बात करें, गुरुग्राम में तेज झटके महसूस किए गए, हरियाणा के जींद में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, पानीपत में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर की जब आप बात करते हैं, नोएडा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हितेंद्र मेरे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हितेंद्र, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके? बिल्कुल ज्योति, अभी जब न्यूज़ रूम में हम लोग सभी मौजूद थे, यहाँ पर जैसे ही धरती हिलनी शुरू हुई, जैसे ही यहाँ पर फ्लोर जो है वो हिलना शुरू हुआ, तो सभी की नज़रें आसपास जो लाइटें लटकी हुई हैं उन पर गई और सभी ने महसूस किया है बहुत ही जोर से जो भूकंप के झटके हैं वो यहाँ पर महसूस किए गए हैं और पूरे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में ही ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। इससे पहले आपको बता दें, अपने दर्शकों को हमने बताया था, सुबह 11 बजे भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, उसका केंद्र तब सोनीपत था, लेकिन अभी केंद्र कहाँ रहा इस भूकंप का, इस बारे में कोई ज्यादा जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई, लेकिन गुरुग्राम में भी ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में हर जगह ही भूकंप के झटके महसूस किए गए, फरीदाबाद तक भी भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए और काफी तेज भूकंप के झटके यहाँ पर महसूस किए हैं सभी ने। और एक बार के लिए डर काफी लगा क्योंकि काफी तेज झटके महसूस किए गए हैं। सुबह की अगर बात करें तो 2.7 के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे सोनीपत में और गहराई भी करीब 7 किलोमीटर बताई जा रही थी। तो ऐसे में बहुत ज्यादा कुछ उसमें नुकसान की भी कोई खबर सामने नहीं आई और बहुत ज्यादा लोगों को महसूस भी नहीं हुआ, लेकिन 24 घंटे के अंदर ये 24 मैं ये कहूँ कि 48 घंटे के अंदर अंदर ये तीसरा भूकंप का झटका हरियाणा में महसूस हुआ है, क्योंकि 1 तारीख की रात को 11:50 के बाद भूकंप का झटका महसूस हुआ था, तो उसके बाद आज सुबह 11 बजे भूकंप के झटके महसूस हुए सोनीपत में और आसपास के क्षेत्र में। तो वहीं अब गुरुग्राम समेत दिल्ली एनसीआर में ये भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। ज्योति, बिल्कुल, इससे पहले सुबह 11 बजे के भी आप जानकारी दे रहे हैं कि भूकंप के झटके महसूस किए गए। अब जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, न्यूज रूम में आप मौजूद हैं या फिर स्टूडियो में मैं मौजूद हूँ, हमने देखा कि किस तरह से लाइट्स हिल रही है या फिर कुर्सी हिल रही है, तो काफी तेजी झटके रहे हितेंद्र। हालांकि अभी इंतजार है कि केंद्र क्या रहा, कहाँ रहा भूकंप का केंद्र। हाँ बिल्कुल, अभी इस भूकंप का केंद्र क्या कुछ रहा है वो तो अब उस बारे में जानकारी जब तक ज्यादा आएगी तो अभी बताया जा सकता है, लेकिन अगर गुरुग्राम की बात करें तो ऐसा लगता है कि गुरुग्राम के आसपास ही इसका केंद्र रहा होगा, जिस तरीके से काफ़ी तेज ये झटके महसूस किए गए और अगर यहाँ से काफ़ी दूर ये भूकंप के झटके का केंद्र जो है वो रहा है तो फिर समझा जा सकता है कितना ज़्यादा तीव्रता वाला ये भूकंप रहा होगा, क्योंकि जिस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए गए, हम और भी बातचीत करेंगे, मेरे साथ बसंत भी यहाँ पर। बसंत, आपको कैसा महसूस हुआ जब भूकंप के झटके महसूस? बिल्कुल, देखिए हितेंद्र, अभी से कुछ देर पहले न्यूज़ रूम में जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए, पूरे दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में अभी फिलहाल भूकंप के झटके महसूस किए गए। आज सुबह भी खबर आई हितेंद्र की कई जगहों पर भूकंप के जो झटके महसूस किए गए, हालांकि हितेंद्र सुबह जो झटके महसूस किए गए थे 2.35 के आसपास रिक्टर पैमाने पर उसकी तीव्रता मापी गई, लेकिन अभी जो भूकंप के झटके महसूस किए गए उसमें जो तीव्रता है अभी देखना होगा कि सिस्मोलॉजी के हिसाब से कितनी तीव्रता है, लेकिन काफी तेज झटके महसूस किए गए हितेंद्र जी। यहाँ पर जो तमाम लाइटें भी लगी हुई हैं और भी सब लोग, काफी माहौल एकदम से हड़बड़ाहट से वाला देखने को।
बिल्कुल एकदम हितेंद्र, देखिए जब भी इस तरीके के भूकंप महसूस होते तो हड़बड़ाहट का एक माहौल देखने को मिलता है, सभी अपनी चेयर से खड़े हो गए, एकदम हड़बड़ाहट की एकदम भूकंप आ गया है। कभी भी भूकंप आता है तो तमाम तरीके की गाइडलाइंस के पालन करने के बारे में सब लोग सबसे पहले सोचते हैं, अपनी जान की परवाह सबसे पहले की जाती है ऐसे में भूकंप आया। और हितेंद्र देखिए बड़ी बात यह भी है क्योंकि जब भूकंप आया सारी चीजें हिलती दिखाई दी, जब चेयर पर हम बैठे वाइब्रेशन जो है वो फील हुई किस तरीके से भूकंप आया, तो इस तरीके के चलते हड़बड़ाहट भी देखने को मिली है। और पूरे दिल्ली NCR में सबसे तेज अभी फिलहाल भूकंप का झटका है। अब देखना होगा कि सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के हिसाब से कितनी तीव्रता है इस भूकंप की और केंद्र कहां रहता है इस भूकंप का, केंद्र कहां है, ये भी देखने की बात हो गई थी। बिल्कुल ज्योति, क्योंकि जिस तरीके से सहयोगी बसंत ने बताया कि केंद्र क्या रहेगा, काफी तेज यहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, हमारे सभी सहयोगी जो यहां पर काम कर रहे हैं वो सभी में काफी हड़बड़ाहट जो है वो देखने को मिली थी। और अभी जो जानकारी मिल पा रही है 4.6 के आसपास जो है वो बताई जा रही है कि तीव्रता रही है इसकी, तो यानी कि काफी तेज ये झटके महसूस किए गए। और वाकई यहाँ पर जो सभी लोग काम कर रहे थे एकदम से उनमें हड़बड़ाहट देखने को मिली। लगातार तीन बार ऐसा हुआ, लगातार तीन बार ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 2:53 पर पहली बार भूकंप का झटका महसूस किया गया था, उसके बाद लगातार कुछ सेकंड के बाद ही भूकंप के झटके हितेंद्र महसूस किए गए थे। और न्यूज रूम का माहौल देखा जाए तो एकदम हड़कंप यहाँ पर मच गया था क्योंकि काफी तेज थे वो झटके और लगातार वो महसूस किए गए थे। जी बिल्कुल, तो साथ ही विनय ने तमाम जानकारी दी, जो ताजा अपडेट अब सामने आई है कि तीन बार ये झटके महसूस किए गए हैं। 2:50 के बाद ये झटके शुरू हुए, 53 मिनट के आसपास ये झटके जो है वो महसूस किए गए और तीन बार महसूस भी हुए हैं। पहला झटका काफी हल्का था, उसके बाद इसकी तीव्रता जो है वो ज्यादा होती हुई दिखाई दी, जिस तरीके से तेजी से यहाँ पर कंपन जो है वो महसूस की गई है। ज्योति हितेंद्र आप बने रहे हमारे साथ, अहम जानकारी आप दे रहे हैं न्यूज रूम से। फरीदाबाद से ब्यूरो चीफ राजेंद्र दहिया भी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजेंद्र, फरीदाबाद में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ देर पहले यहाँ पर जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए और तमाम जो लोग हैं आप देख सकते हैं घर के बाहर जो है निकलकर खड़े हो गए। जब जैसे ही भूकंप के झटके आए तमाम लोग जो अपने घरों को छोड़कर बाहर आ गए। क्या नाम है आपका? क्या कुछ महसूस किया आपने? मैं लेटा हुआ था बेड पे तो एकदम से बेड भी नहीं लगा था। अच्छा, तो तब चला पता कि भूकंप आए थे बाग के बाहर आए। बाग के बाहर आए, इसके अलावा और भी लोग हैं इसे हम जानते हैं। क्या हुआ आपके साथ, क्या लगा? पहले भूकंप आते रहे आपने भी नहीं है पानी पी रही थी बैठ के, तो डाइनिंग टेबल काफी तेज हिली तो मुझे, मैंने फिर फैन को देखा कि ये तो फैन भी तेज हिल रहा है। फिर मैं भाग के रूम में गई, बच्चों को उठाया, बाहर आ गई, फिर भाग के। काफी तेज भूकंप था, 10-1 सेकंड फील हुआ भूकंप तेज। बिल्कुल, लोगों में 10-12 सेकंड का जो है भूकंप आया था और तेज तीव्रता जिसके साथ क्या रही। हालांकि मैं अंदर रूम में लेटा हुआ था बेड पे और जैसे ही मैं लेटा हुआ तो महसूस हुआ मुझे जैसे कि उधर हिल रहा है बेड, तो मैंने भैया से तुरंत कहा कि भैया मेरा बेड हिल रहा है, तो इन्होंने भी तुरंत जवाब दिया कि हाँ यार मेरी कुर्सी भी हिल रही है। तो काफी तेजी से था और जैसे ही हमें महसूस हुआ हम बाहर निकल के भागे। तो बाहर निकल के भागे तो साफ तौर पर ज्योति लगातार भूकंप के झटके महसूस किए, 10-12 सेकंड महसूस किए। आपने क्या महसूस किया? कुर्सी हिल रही थी काफी देर, कुर्सी हिलती थी 10-12 सेकंड के करीब और ऐसा फील किया है इससे पहले कभी इतना तेज झटके नहीं, जितने तेज उस टाइम आप आए थे बाहर निकले। और तो पहली बार इतनी तेज झटके लोगों ने महसूस किए, कुछ और भी है इनसे हम जानने में। क्या आपके साथ क्या हुआ जब भूकंप आया? बहुत तेजी से महसूस हुआ कि कुछ हिल रहा है और परिवार के सदस्यों ने भी एकदम से निकल के बताया कि भूकंप आ रहा है और हम एकदम से बाहर निकल कर भागे और लगा कि हाँ कुछ न कुछ अपेक्षित भी था। NCR में बताया भी जा रहा था कि भूकंप आ सकता है, अभी वेस्ट बंगाल और असम में भी आया, कल रोहतक का भी बता रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड भी था। हम तुरंत बाहर निकल कर आए। तो बाहर निकल कर आए, बुजुर्ग आ रही है वो भी बाहर बैठे हमारे, क्या आपको क्या महसूस हुआ? हम सब लोग ना बेड पे लेटे हुए थे तो बेड जो है बड़ी तेजी से हिला और ऊपर पंखा भी बड़ी तेजी से हिला, तो डर की वजह से तुरंत ही बाहर निकल कर आए और बच्चों को बोला जल्दी निकलो बाहर भूकंप आ रहा है, और उस टाइम तुरंत ही बच्चे सारे बाहर निकल के आए। बहुत शुक्रिया राजेंद्र, पूरी जानकारी आपने दी और साथ ही स्थानीय लोगों से बात भी आप कर रहे थे। लोग जान बचाने के लिए घरों से भागे, हालांकि हम एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते सबसे पहले आपको खबर देने का हम प्रयास कर रहे हैं कि भूकंप के झटके महसूस किए गए। हम जहां से गुरुग्राम से बात कर रहे हैं, गुरुग्राम की हरियाणा न्यूज के न्यूज रूम की तस्वीरें आप देख रहे हैं, हिलती लाइट को आप देख सकते हैं, साथ ही स्टूडियो की लाइट्स भी जब हिलती हमने देखी और महसूस की तो भूकंप के झटके महसूस किए गए हरियाणा के कई इलाकों में। दिल्ली NCR में, जिसमें आप दिल्ली की बात करें, फरीदाबाद से राजेंद्र जानकारी दे ही रहे थे, नोएडा की आप बात करें, साथ ही नेपाल भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है, ये बड़ी खबर आपको बताई भूकंप से जुड़े। हितेंद्र मेरे सहयोगी लगातार न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हैं। हितेंद्र क्या कुछ अपडेट है अभी?
बिल्कुल ज्योति, अब ये पता चल गया है कि भूकंप आया कहाँ पर है। दरअसल नेपाल में ये भूकंप आया और 4.6 इसकी तीव्रता जो है वो मापी गई है, तो ये तो साफ हो गया है कि भूकंप का केंद्र क्या कुछ रहा और कितनी तीव्रता रही। लेकिन एक बात जरूर है कि जिस तरीके से नेपाल में इस भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है, लेकिन दिल्ली NCR तक किस तरह से धरती हिली है, गुरुग्राम में जहाँ पर न्यूज़ रूम में हम इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पर भी किस तरह से धरती हिली, साफ तौर पर महसूस किया गया इस भूकंप के कंपन को, तो ये अपने आप में वाकई चिंता बढ़ा देने वाला है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से भूकंप के झटके लग रहे हैं, हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा की धरती की अगर बात करें तो लगातार हिलती हुई दिखाई दे रही है। पहले सोनीपत में सुबह 11 बजे धरती हिली और अब 2 बजे के आसपास ये जो धरती है वो हिली है 2:50 के बाद। और इसके अलावा अगर पहले बात करें तो 1 तारीख और 2 तारीख की रात को भी 12 बजे के आसपास ही धरती हिली। तो इतनी जल्दी जल्दी ये जो भूकंप के झटके आ रहे हैं, ये अपने आप में कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा देने वाले हैं। और क्या इसकी वजह है, अभी इस बारे में ज़्यादा जानकारी तो सामने नहीं आ पाई, लेकिन भूकंप के झटकों की वजह से लोगों में टेंशन कहीं ना कहीं ज़रूर बढ़ जाती है। जिस तरीके से भूकंप के झटके महसूस होते हैं तो लोग अपने अपने दफ्तरों से बाहर निकलने को दौड़ते हैं, भागते हैं, अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं ताकि भूकंप के किसी भी नुकसान से बचा जा सके। और अभी तक इस बारे में भी कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है कि इस भूकंप की वजह से क्या कुछ कोई नुकसान हुआ है या फिर सब कुछ सामान्य है, ये तो अभी और इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन भूकंप का केंद्र नेपाल रहा है, 4.6 इसकी तीव्रता रही और दिल्ली NCR तक भी, पूरे हरियाणा और करीब करीब पूरे उत्तर प्रदेश में ये जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए गए। बहुत शुक्रिया हितेंद्र, अहम जानकारी आपने दी। तो नेपाल केंद्र रहा के 4.6 की तीव्रता का ये भूकंप रहा के, हालांकि अभी तक जानहानि की कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन आप देखेंगे अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही, इस महीने की शुरुआत के साथ ही 3 दिन के भीतर 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिसमें केवल आज की आप बात करते हैं सुबह 11 बजे भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। हरियाणा में दिल्ली NCR में ये भूकंप आया और अब नेपाल केंद्र बताया जा रहा है। नेपाल के अलावा भारत के भी एक बड़े हिस्से में, उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, दिल्ली NCR में, यूपी के बड़े हिस्से में, हरियाणा के एक बड़े हिस्से में भूकंप के झटके महसूस किए गए।